दोस्तों शुरू करते हैं अगले अंक में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सबसे प्रथम पॉइंट है हमारा वंशानुक्रम हेरिडिटी वंशानुक्रम से तात्पर्य बच्चों की उन शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं से है जो उसे अपने माता पिता से प्राप्त होती है और जिन्हें बच्चा बड़ा होकर अपनी अगली पीढ़ी को देता है मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि बालक व्यक्तित्व के विकास के लिए वंश परंपरा से ये शक्तियां प्राप्त करता है यह शक्तियां कौन कौन सी हैं इनमें हम देखेंगे मूल प्रवृत्तियां सामान्य जन्मजात प्रवृत्तियां अभिप्रेरक संवेग स्नायुमंडल प्रतिष्ठेप क्रियाएं ज्ञानेन्द्रिया स्वभाव शारीरिक एवं मानसिक क्षमता मूल प्रवृत्तियां मूल प्रवृत्ति में वो जो रूढ़ प्रवृत्ति आती है कि वो बदलेगा नहीं इनको मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं सामान्य जन्मजात प्रवृत्तियाँ जन्म से पहले से हमारे दादाजी परदादा जी नाना जी इनसे आने वाली जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं वो हमको मिल जाती हैं अभिप्रेरक प्रेरणा खुद को प्रेरणा ऐसी मिलना जिससे कि वह कुछ करने के लिए अपने आप से मोटिवेट होता रहे वह अभिप्रेरक कहलाता है संवेग इमोशनल एक्टिविटी स्नायुमंडल कितना उसका शारीरिक वृद्धि होगी वह स्नायुमंडल कितना बड़ा होगा प्रतिक्षेप क्रियाएं वह समाज वह वंशानुक्रम रूप से प्रतिक्षेप क्रियाओं अपने अंदर ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि माता और पिता के दोनों के अंडरस्टैंडिंग से उत्पन्न होती है वो प्रतिक्षेप क्रियाएं होती हैं ज्ञान इंद्रिया ज्ञान की वह इंद्रिया जो कि माँ और पिता की कितनी विकसित हुई थी उसके हिसाब से बालकों में अगली जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वह ज्ञान इंद्रियाँ ट्रांसफर होती हैं स्वभाव जैसा माँ और पिता का स्वभाव है झगड़ालू है प्यार मोहब्बत वाला है या बहुत ही केयर है करुणामय स्वभाव है ऐसे ही बालकों में ट्रांसफर होता है शारीरिक एवं मानसिक क्षमता पिताजी की माताजी की कितनी क्षमता है समझने की वैसे ही बालकों में वह क्षमता चली जाती है काम करने की कोई भी प्रकार से शरीर की जो भी बीमारियां हैं या अच्छाइयां हैं वो सभी बालकों में ट्रांसफ़र होती हैं तो इन्हीं सब को समझने के लिए वंशानुक्रम के संबंध में कुछ तथ्य हमें मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं जो हम विचार करेंगे जैक्स जैक्स रॉस जैक्स रॉस नामक मनोवैज्ञानिक ने हमें बताया है कि एक संतति द्वारा अगली संतति में गुणों का संक्रमण वंशानुक्रम कहलाता है जेम्स ड्राइवर ने हमें कहा कि माता पिता की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का संतानों में संबहन होना ही वंशानुक्रम है माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का जिस प्रकार से माता पिता बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम होंगी वैसे ही उनकी संतान बहुत एक्टिव पैदा होगी नंबर दो वातावरण परिवेश का मतलब होता है कि बाहर की चीज़ों से सीखना वे बाह सब बाह प्रभाव और परिस्थितियां वातावरण में आ जाती हैं जो जीव के व्यवहार शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित करती है लोग देखकर एक दूसरे से सीखते हैं बालक सबसे पहले अनुकरण ही करता है अपने माता पिता को गुरु को अपने पड़ोसियों को अनुकरण करके ही वो सीखता है अगला है जैक्स रॉक्स जैक्स रॉक्स ने हमें बताया है कि वातावरण वह वाह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है वातावरण सिर्फ प्रभावित करता है वातावरण प्रभावित करता है यदि उसमें हम परिवर्तन नहीं लाते हैं तो हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता है वुडवर्थ कहते हैं वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया सीधी सी बात है जब पैदा होता है बालक जो भी चीजें देखता है वो सीख लेता है वातावरण दो प्रकार का होता है एक आंतरिक वातावरण दूसरा वाह वातावरण आंतरिक वातावरण यह जन्म के पूर्व का होता है वह वातावरण यह जन्म के बाद का होता है हम सबसे पहले आंतरिक वातावरण के बारे में समझेंगे नंबर फर्स्ट माँ का शारीरिक स्वास्थ्य के जिस माँ जिस समय माँ के गर्भ में शिशु विकसित हो रहा होता है उस समय माँ के आहार की ओर ध्यान देना आवश्यक है यदि माँ ठीक प्रकार का आहार नहीं लेती है तो बालक जो विकसित हो रहा है वह भी उसका शारीरिक निर्माण नहीं होगा उसे मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए मादक का मतलब होता है शराब और अनेक अनेक प्रकार की चीजें जो कि महिलाओं को नहीं लेना चाहिए नहीं तो बालकों में मानसिक और शारीरिक विकास में अंतर पड़ जाता है और बहुत बड़ा अंतर पड़ता है सेकेंड है माँ का मानसिक स्वास्थ्य माँ का मानसिक स्वास्थ्य माँ के संवेगों का प्रभाव माँ के संवेगों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है यदि माँ गर्भावस्था के दौरान चिंतित है किसी एन पे है बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम जाती है पारिवारिक है या वातावरणीय है जो भी चिंता उनको व्यतीत होती है या नौकरी से संबंधित भयभीत रहे तो उसका प्रभाव आने वाले से सुपर भी पड़ सकता है नंबर सेकंड वाह वातावरण जन्म के उपरांत बच्चे पर वाह वातावरण का प्रभाव वाह वातावरण जन्म के उपरांत बच्चे पर बाह वातावरण का प्रभाव निम्नानुसार पड़ता है नंबर फर्स्ट भौतिक वातावरण भौतिक वातावरण से आश्रय बालक के जन्म स्थान के प्राकृतिक वातावरण से है वहाँ का जलवायु उसके विकास को प्रभावित करता है ठंडी सर्दी गर्मी जो भी मौसम होगा बालक उससे प्रभावित होगा ही होगा यदि बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो वहाँ उसका गोरा होना निश्चित है और वहाँ की शैक्षिक व्यवस्था भी निर्भर करेगी कि किस प्रकार से वह आगे बढ़े यदि कोई कलेक्टर के घर पैदा हुआ है तो वहाँ की कलेक्टर का जो सुख शांति और समृद्धि वाला जो माहौल है और सामाजिक रूप से जो परिपक्व माहौल है वह बालकों में प्रभाव पड़ेगा यदि वह स्लम्स एरिया में पैदा हुआ है गरीब एरिया में पैदा हुआ है तो वह वातावरण का उस पर बहुत जोर से प्रभाव पड़ेगा आगे हम जानते हैं आगे देखते हैं सामाजिक वातावरण सामाजिक वातावरण सामाजिक वातावरण सामाजिक वातावरण को पुनः चार रूपों में विभक्त किया जा सकता है नंबर का परिवार का वातावरण परिवार का वातावरण परिवार के वातावरण में हम देखेंगे परिवार का वातावरण पड़ोस का वातावरण विद्यालय का वातावरण और समाज का वातावरण इन सभी में हम जानते हैं कि किस प्रकार का परिवर्तन आता है सामाजिक वातावरण में हमने देखा कि परिवार का वातावरण यदि लड़ने वाला होगा या अच्छा शांत माहौल वाला होगा तो उस प्रकार से बालक सीखेगा पड़ोस का वातावरण परिवार का तो ठीक है लेकिन पड़ोस झगड़ालू है तो ब, बच्चे में वो ट्रांसफर हो जाता है विद्यालय का वातावरण विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है तो बालक भी अच्छी पढ़ाई करना सीखेगा गेम्स होते हैं तो गेम्स सीखेगा जो भी विद्यालय में एक्टिविटी होती है बालक उसका अनुसरण कर लेता है समाज का वातावरण समाज जिस प्रकार का अपने आप को गठित करता है उस प्रकार से बालक भी अपने आप को गठन करने की सोचता है नंबर का परिवार का वातावरण हम देखें तो परिवार में माता पिता के संबंध भाई बहनों के बीच के संबंध माता पिता के संबंध कैसे हैं यदि अः करुणामय संबंध है प्रेम वाले ममतामय संबंध है तो बालक भी आ, माता पिता से प्रेम करना सीखेगा और आसपास के लोगों को प्रेम बांटेगा भाई बहन यदि भाई बहन बहुत अच्छे से रहते हैं वो झड़ झगड़ते नहीं हैं उनके संबंध अच्छे हैं तो वह है समाज में अपने संबंधों को प्रतिस्थापित करता है सदस्यों के पारस्परिक संबंध कैसे हैं मैत्रीपूर्ण है तो ठीक है और नहीं तो माधुर्यपूर्ण होंगे तो बच्चा एक संतुलित व्यक्तित्व लिए हुए विकसित होगा परंतु यदि परिवार का वातावरण इसके विपरीत होता है तो बच्चा मानसिक ग्रंथियों का शिकार रहेगा नंबर खा पड़ोस का वातावरण बच्चे के आसपास का वातावरण जितना स्वस्थ होता है बच्चे का विकास उतना ही स्वस्थ होता है इसका सीधा सा मतलब है झगड़ालू नहीं होना विद्यालय का वातावरण विद्यालय में प्रचारिका अपने सहयोगियों शिक्षकों के साथ संबंध शिक्षकों के आपसी संबंध शिक्षकों के छात्र छात्राओं के साथ संबंध जितने मधुर होंगे बच्चे का विकास उतना ही अच्छा होगा विपरीत परिस्थितियों में बालक बालिकाओं का व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता हो होता है घ नंबर में देखेंगे कि समाज का वातावरण बच्चा विद्यालय और समाज के बीच की कड़ी है समाज का विद्यालय के साथ तथा बच्चे के साथ सौहार्द पूर्ण व्यवहार बच्चे के अच्छे एवं सुदृढ़ व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है अगली कड़ी में हम जानेंगे बाल विकास के सामान्य सिद्धांत आज के लिए इतना ही धन्यवाद